हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट विल बी लाइक व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ मनी सप्लाई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मनी। बेसिकली मनी इज़ एनी थिंग विच कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पर एनीथिंग से मतलब है कि इट कैन बी करेंसी, इट कैन बी नोट, इट कैन बी यू नो एनी टाइप ऑफ कमोडिटी ऑल्सो विच कैन बी एक्सेप्टेड एज मोड ऑफ पेमेंट। सपोज आई हैव वन चेयर एंड इफ एवरी वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेयर एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट देन दैट चेयर कैन बी टर्म्ड एज मनी। मनी इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ लेट अस स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज सर्टन फंक्शंस। लेट अस स्टडी दोज फंक्शंस। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज़ दैट इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। हम जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं देन वी पे थ्रू मनी बिकॉज मनी इज़ एक्सेप्टेड एज मनी हैज़ समथिंग नोन एज जनरलाइज परचेसिंग पावर बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट मनी। So it has the generalized purchasing power. The second important function of money is that money acts as a common measure of value. इसका मतलब ये है कि values of all goods and services or we can say all the commodities can be expressed in terms of money. We can say कि pen इतने रुपये का है, chair इतने रुपये की है, apple का iPhone इतने रुपये का है, so everything can be expressed in terms of money. So then money, this money then acts as a basic unit of accounting. जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वी एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मनी ना होती तो हम अकाउंटिंग कैसे करते। इट इज़ बिकॉज ऑफ मनी वी आर एबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ थिंग्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ दैट इट एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो कि हमें फ्यूचर में पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से बोरो किया कुछ पैसे, देन वी हैव टू पे दैट मनी बैक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन द फ्यूचर at some point of time in future. Therefore, money serves as a kind of a standard for settlement of future monetary obligations. जो भी future की monetary obligations होगी, for example आप किसी को कुछ पैसे lend करेंगे या फिर आप किसी से कुछ पैसे borrow करेंगे, तो ये हम monetary terms में हम express कर सकते हैं। We can use money as a standard for settlement of future monetary obligations. जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंक्स हैं एटसेट्रा हैं, वो सब मनी पे ही वर्क करते हैं। विदाउट मनी देर विल बी नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स। पीपल सेव द मनी, दैट मनी इज़ चैनलाइज टू द कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मनी इज़ यूज बाय द बैंक्स टू लेंड टू द बोरोवर सच एज इफ अ कंपनी वॉन्ट्स टू डेवलप सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, द बैंक लेंड्स टू दैट कंपनी। Therefore, it leads to capital formation. Without money, there will be no saving, there will be no banks, there will be no capital formation. The fourth important function is the money acts as a store of wealth. Wealth can be stored in the form of money because money jo hai, it's a kind of an asset. And wealth jo hoti hai, wealth is summation of assets. Money is an important type of asset and money, via money, one can store the wealth. मनी की इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमें बाटर सिस्टम स्टडी करना पड़ेगा। बाटर सिस्टम में क्या होता था कि वन कमोडिटी इज़ एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। देर वॉज एन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। इन बाटर इकोनॉमी देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ मनी। मनी नहीं है वहाँ पर। बाटर इज़ ए काइंड ऑफ कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। देयरफॉर इन द बाटर सिस्टम इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर देर इज़ नो मनी। We will be able to appreciate the concept of money if we study the problems which were being faced in the barter system. So let us study those problems. The first problem faced in exchange in barter system is the double coincidence of wants. Without double coincidence of wants, no exchange can take place in the barter system. बाटर सिस्टम के अंदर कोई शॉप तो होती नहीं है जहाँ पर आप गए, आपने पैसे दिए और बदले में आपको वो कमोडिटी मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ फार्मर। फार्मर के पास वीट है ना, वो फार्मर को जूते खरीदने हैं, तो अब उसे ढूंढना पड़ेगा कि भाई ही विल गो टू द फर्स्ट शू मेकर। वो कहेगा कि यार मेरे से वीट ले लो और बदले में जूते दे दो।
अब उस शू मेकर के पास अगर ऑलरेडी बहुत सारा वीट पड़ा है तो वो वीट क्यों खरीदेगा, तो इसका मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सो नाउ द फार्मर हैज़ टू फाइंड दैट पर्सन जिसके पास जूते हो प्लस जिसको वो वीट्स भी, जो वीट ग्रेन है वो भी उसको चाहिए हो। सो देर इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स विच इज़ रिक्वायर्ड। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मनी से सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल फार्मर जो है वो अपना वीट बेचेगा किसी को और बदले में उसको मनी मिल जाएगी। द फार्मर विल सेल द प्रोडक्ट, सेल द वीट ग्रेन्स एंड विल एक्सेप्ट द मनी। ही विल एक्सेप्ट द मनी क्योंकि उसको पता है कि मनी तो सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, सभी वो उस मनी को लेके किसी के पास भी जा सकता है और वहाँ से वो ख़रीद सकता है। नाउ विद दैट मनी ही कैन बाय द शूज़। सो बेसिकली जो फार्मर है उसने वीट को सेल किया और बदले में उसको मनी मिल गई, उस मनी को उसने किसी को दिया और उससे उसको शूज़ मिल गए। तो यहाँ पर जो मनी है, द मनी हैज़ एक्टेड हेयर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट हैज़ अवॉइडेड, द मनी हैज़ अवॉइडेड द इशू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दैट्स वाई हमने सबसे पहला जो मनी का जो फंक्शन स्टडी किया था डेट वॉज इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विद द कंसेप्ट ऑफ मनी नाउ एवरी वन कैन प्रोड्यूस द थिंग्स, दे कैन सेल, दे कैन रिसीव द मनी एंड दे कैन बाय वट एवर दे वॉन्ट विद दैट मनी बिकॉज मनी इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन द इकॉनमी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द सेकेंड इशू इन द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इज़ द वैल्यूएशन इशू। चलिए पुराने एग्जाम्पल को देखते हैं। अब फार्मर को वीट बेचने हैं और बदले में शूज़ लेने हैं, तो अब वीट का, अब ये तो पता नहीं किसी को कि कितने किलो वीट देने पर कितने पेयर ऑफ शूज़ मिलेंगे क्योंकि कंसेप्ट ऑफ प्राइस तो है नहीं। तो सपोज़ मान लीजिए वैल्यू नेगोशिएशन करने के बाद ये डिसाइड होता है कि 1 kg ऑफ वीट इज़ इक्वल टू 1 pair ऑफ शूज़। नाउ अब फार्मर को फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथ्स ख़रीदने हैं तो अब उसको अगेन देखना पड़ेगा कि भाई कितने किलो जो वीट है विल बी इक्वल टू कितने पेयर ऑफ क्लोथ्स। सो वैल्यूएशन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ईच कमोडिटी। देर विल बी एज मैनी वैल्यूज एज देर आर अदर कमोडिटीज़। दिस वैल्यूएशन इशू इज सॉल्व बाय द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी विच इज़ मनी एक्ट्स एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Therefore, with the concept of money, the exchange of goods and services become easier and it facilitates the growth and expansion of an economy. जब किंग्स आए, जब राजा महाराजा आए तो दे इंट्रोड्यूस्ड करेंसी और कॉइन्स विच एक्टेड एज मनी। एंड बिफोर द किंग्स पीपल यूज कमोडिटीज़ और एनिमल्स एज मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स लाइक काउ, हैन, दे वर यूज एज मनी। मतलब वो फिक्स कर लेते होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 hen इज़ इक्वल टू 1 kg ऑफ वीट, 1 hen इज़ इक्वल टू 1 pair ऑफ शू, 1 hen इज़ इक्वल टू 1 haircut सर्विसेज एट्सेट्रा। बट इसके बाद फिर किंग्स आए, उन्होंने करेंसी और नोट्स और नॉट नोट्स द करेंसी एंड कॉइन्स उन्होंने इशू किए। नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ मनी। द फर्स्ट वन इज़ द फुल बॉडीड मनी। So it is the money whose value as money is equivalent to its value as a commodity. So it is the money whose value as money is equivalent to its value as commodity. For example, gold coins. For example, ये एक gold coin है और इस gold coin पर 1000 rupees लिखा हुआ है। ये जो 1000 rupees लिखा हुआ है that is the value as money. It is the face value. नाउ जो इस गोल्ड कॉइन में जो गोल्ड लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी 1000 rupees है। सो दिस इज़ इट्स वैल्यू एज कमोडिटी विच इज़ द इंट्रेंसिंग वैल्यू। जो इंट्रेंसिंग वैल्यू है, जो मेटल की जो वैल्यू इस गोल्ड कॉइन को बनाने में जो यूज़ हुई है उसकी भी जो वैल्यू है वो 1000 rupees है। इट इज़ फुल बॉडीड मनी बिकॉज द एंटायर वैल्यू ऑफ मनी इज़ incorporated or embodied in the this gold coin itself. जो price इस gold coin के ऊपर लिखा गया है उतने ही value का इसके अंदर gold भी लगा हुआ है। Second type of money is token money. Token money को हम paper money या फिर credit money भी कहते हैं। जो token money होती है उसकी value as money is much more than its value as a commodity. For example, जो RBI 2000 का note प्रिंट करता है,
उस पर 2000 लिखा होता है और आरबी गवर्नर के साइन होते हैं कि आई प्रॉमिस द बियरर ऑफ दिस नोट कि हाँ इट कैन बी यूज्ड, इट इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर एज टेंडर। तो उस जो जो पेपर है उस पेपर की वैल्यू तो कितनी होगी, कम ही होगी, बट उस जो नोट की वैल्यू क्या है, उस नोट की वैल्यू 2000 रुपये है। टोकन मनी इसलिए बोला गया कि फॉर एग्जांपल एक पेपर के ऊपर लिख दिया 2000 और उसकी वैल्यू अब 2000 हो गई। इसे क्रेडिट मनी क्यों कहते हैं? क्रेडिट मनी इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको प्रिंट किया और आपको दिया। नाउ गवर्नमेंट कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम यू वर्थ वर्थ 2000 रुपीज़। बाय एक्सेप्टिंग दिस 2000 रुपीज़ नोट यू आर गिविंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट कैन बाय एनी गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 2000 रुपीज़ फ्रॉम यू, एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज यू और यू एज अ पीपल एज अ सिटीजन हैव ट्रस्ट इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। द थर्ड टाइप ऑफ मनी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टोकन मनी एंड इट इज़ इशूड बाय द इशूइंग अथॉरिटी अगेंस्ट द बैकिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। बुलियन मीन्स प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर इन बल्क। फॉर एग्जाम्पल RBI ने 2000 का अगर नोट इशू किया, नोट हमने पढ़ा था अभी इट्स ए टाइप ऑफ टोकन मनी, अगर RBI ने 2000 का नोट इशू किया देन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी RBI हैज़ टू कीप 2000 रुपीज़ वर्थ ऑफ गोल्ड इन इट्स वॉल्ट टू इशू दिस 2000 रुपीज़ नोट। ऑल्दो इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर बट उस पीस ऑफ पेपर दिस पीस ऑफ पेपर इज़ बैक्ड बाय द गोल्ड विच इज़ केप्ट बाय द RBI और एनी अदर इशूइंग अथॉरिटी। सो दिस इज़ अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी वेयर इन इट इज़ अ टोकन मनी विच इज़ इशूड अगेंस्ट द बैकिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी इज़ कन्वर्टेबल मनी। द कन्वर्टेबल मनी कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन बाय द इशूइंग अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम करते हैं कि RBI ने ऐसा 2000 का नोट इशू किया और साथ में RBI ने ये कहा कि जब भी कोई व्यक्ति 2000 का नोट लेके मेरे पास वापस आएगा तो मैं उसको कन्वर्ट करके बुलियन में उसको गोल्ड दे दूंगा। सो दिस टाइप ऑफ मनी विल बी नोन एज कन्वर्टेबल मनी। इसका जो अपोजिट है दैट इज़ इनकन्वर्टेबल मनी। इनकन्वर्टेबल मनी में द इशूइंग अथॉरिटी इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू बुलियन। आप 2000 का नोट लेके RBI के पास गए तो RBI ने मना कर दिया कि भैया मैं आपको 2000 रुपये वर्थ का बुलियन या फिर गोल्ड नहीं दूंगा बिकॉज इट इज़ इनकन्वर्टेबल मनी। और जो फैक्ट है वो यही है, इंडिया के अंदर जो इंडियन रुपीज़ है दैट इज़ इनकन्वर्टेबल मनी। RBI इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड नॉट ड्यूटी बाउंड टू गिव यू बुलियन इन रिटर्न ऑफ दैट नोट। देयरफॉर इंडियन रुपीज़ इज़ इनकन्वर्टेबल मनी। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए जो इंडियन रुपीज़ है इट इज़ अ टोकन मनी, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी। RBI जो है, जितने भी RBI ने अभी तक नोट इशू किए हैं, RBI उतना गोल्ड अपने पास नहीं रखता। RBI कीप्स ए मिनिमम रिजर्व गोल्ड विद इट बट नॉट ऑल द गोल्ड विज ए वी द अमाउंट ऑफ और वैल्यू ऑफ नोट्स इशूड बाई इट। सो इंडियन जो रुपीज़ इंडियन जो नोट्स हैं इट इज़ एन इनकन्वर्टेबल मनी एंड ऑल्सो इट इज़ एन टोकन मनी। देयरफॉर RBI इशूज़ इनकन्वर्टेबल टोकन मनी। नाउ लेट अस स्टडी इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मनी। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के अंदर देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ मनी। देन केम द सेकेंड स्टेज वेयर इन डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट कमोडिटीज वर यूज एज मनी। सिंस देर वर मैनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद यूजिंग एनिमल्स एंड कमोडिटीज एज मनी देन द नेक्स्ट स्टेज कम वेयर इन फुल बॉडीड मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द किंग्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। इन फुल बॉडीड मनी विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द किंग्स वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट वैल्यू ऑफ मनी वॉज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। बट जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई, ज़्यादा से ज़्यादा मनी की आवश्यकता हुई जैसे इकॉनमी ज़्यादा ग्रो हुई, बट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड तो लिमिटेड था। तो ग्रेजुअली जैसे ही जैसे किंगडम ज़्यादा स्टेबल हुए और इकॉनमी ग्रो होना शुरू हुई तो
तो जो किंग्स थे उन्होंने स्मॉलर कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसके ऊपर लिखा 500 ही होता था। इससे क्या हुआ कि जो गोल्ड की कंजम्पशन थी वो कम हो गई कॉइन बनाने में। तो मान लीजिए ये ए कॉइन है, ये बी कॉइन है, ए के अंदर तो 500 यूनिट ऑफ गोल्ड लगा हुआ है, इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू में 500 यूनिट ऑफ गोल्ड लगा हुआ है, लेकिन बी के अंदर जो है उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो इंट्रेंसिक गोल्ड लगा हुआ है वो मान लीजिए 100 रुपये या 100 यूनिट के वर्थ का ही होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ गुड मनी एंड बैड मनी। इस केस के अंदर जो ए है दैट इज़ गुड मनी एंड बी जो है दैट इज़ बैड मनी। जो जनता जनार्दन थी, जो पीपल थे, दे वुड लाइक टू कीप गुड मनी विद दैम, क्योंकि गुड मनी के अंदर ज़्यादा गोल्ड लगा हुआ है और वर्थ उसकी 500 है। बैड मनी के अंदर कम गोल्ड लगा हुआ है लेकिन उसकी वर्थ भी 500 बना रखी है। तो पीपल विल ट्राई टू होल्ड, दे विल ट्राई टू कीप गुड मनी विद दैम सेल्व एंड द बैड मनी विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन द इकॉनमी। सो ए विल बिकम आउट ऑफ सर्कुलेशन बिकॉज पीपल विल स्टार्ट होल्डिंग इट एंड बी विल बी सर्कुलेटिंग इन द इकॉनमी। देयरफॉर बैड मनी विल रिमेन इन द सर्कुलेशन एंड गुड मनी विल बी आउट ऑफ द इकॉनमी। सो बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी। दिस इज़ द ग्रेशम्स लॉ। सो दिस इज़ द ग्रेशम्स लॉ दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। चलिए अब फिर से एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। फुल बॉडीड मनी इशू होने के बाद किंग्स ग्रेजुअली स्टार्टेड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कॉइन एंड द कंसेप्ट ऑफ बैड मनी केम इन टू द पिक्चर। देर आफ्टर द किंग्स दे इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। सो द किंग्स स्टार्टेड इशूइंग पेपर करेंसी एंड इक्वलेंट गोल्ड वो अपने खजाने में रखते थे। सो दिस इज़ वॉट हैपन इन द मीडिवल टाइम्स। और इंडिया के अंदर भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पेपर करेंसी वॉज डन बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बाद जो मीडिवल के बाद जो मॉडर्न नेशंस आए एग्जिस्टेंस में, दे ऑल्सो यूज द रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इंडिया टिल द पीरियड 1956 इंडिया वॉज कीपिंग 40% RBI वॉज कीपिंग 40% गोल्ड। बट ग्रेजुअली द कंट्रीज ऑल्सो मूव्ड अवे फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड नाउ वॉट इज इन सर्कुलेशन इज द टोकन मनी। अब RBI को एट प्रेजेंट जितनी करेंसी वो प्रिंट करती है उतना गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। एंड फॉर दैट मैटर USA के अंदर भी जो फेडरल रिजर्व है वो भी जब डॉलर प्रिंट करता है तो इट डजेंट रिक्वायर टू कीप इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन इट्स वॉल्ट अगेंस्ट द करेंसी विच इट इज़ प्रिंटिंग। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव शिफ्टेड टू टोकन मनी और पेपर मनी और क्रेडिट मनी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी इज़ द फिएट मनी। फिएट का मतलब होता है फॉर्मल ऑथराइजेशन या फिर डिक्री ऑफ द गवर्नमेंट। सो वट एवर सर्व्स एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर और फिएट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द फिएट मनी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा हुआ है कि रुपी विल सर्व एज द मनी, सो दैट इज़ अ फिएट मनी, रुपीज़ इज़ अ फिएट मनी। सिमिलरली जो डॉलर्स है इट इज़ ऑल्सो फिएट मनी।